सबसे पहले अहम खबर कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान बड़ी बैठक हुई है। अदलिया में इस्लाहात की हद तक इतफाक राय हो चुका है। दीगर मजवजा तरामीम पर डेड लॉक अभी तक बरकरार है। अदालत इस्लाहात में इतफाक राय हासिल कर दिया गया। हुकूमत ने हमारे मसविदे से इतफाक कर लिया तो बिस्मिल्ला, मसला संजीदा है। संजीदगी से बातचीत हुई तो मुल्क और आइन बचेगा, ऐसा कहना था मौलाना फजलुर रहमान का। अदालत इस्लाहात से मुतालिक तीन जमातों के दरमियान इतफाक खुश आइंद है। आइनी अदालतों के जरिए आइन की बालादस्ती और फौरी इंसाफ चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का मजीद कहना था, आइंदा दिनों में दीगर मुजवजा तरामीम पर भी इतफाक राय हो जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ऐसा कहना था, अदालत इस्लाहात, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI की लाहौर में बड़ी बैठक हुई। अदलिया में इस्लाहात की हद तक इतफाक राय हो चुका। दीगर मुजवजा तरामीम पर डेड लॉक बरकरार है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत ने हमारे मसविदे से अगर इतफाक कर लिया तो बिस्मिल्ला, मसला संजीदा है। संजीदगी से बातचीत हुई तो मुल्क और आइन बचेगा। और सदर आसिफ अली जरदारी की जाने से भी कहा गया कि अदालत इस्लाहात से मुतालिक तीन जमातों के दरमियान इतफाक खुश आइंद है। आइनी अदालतों के जरिए आइन की बालादस्ती और फौरी इंसाफ चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐसा कहना था, आइंदा दिनों में दीगर मुजवजा तरामीम पर भी इतफाक राय हो जाएगा। ऐसा हक डार का ऐसा कहना था। कभी उम्मीद है कि इतफाक राय हो जाएगा। मुल्क को आइनी अदालत की ज़रूरत है। गुज़िश्ता डेढ़ माह से मुशावरत का अमल जारी है। हमारी कोशिश है कि तरमीम के हवाले से मुकम्मल इतफाक राय हो। तहरीक इंसाफ के पास कोई ऑडियो है तो आज जारी कर दें। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक के प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। इसमें मुशावरत होनी चाहिए, इसमें तमाम पार्टी से बात होनी चाहिए, तो वही काम चल रहा है। अभी भी मुशावरत हो रही है, कल पीपल्स पार्टी और JUIF में हुई है, आज PMLN के साथ भी हो रही है। अगर इनके पास ये तमाम जो वीडियोस और ना जाने जिस जिन चीज़ों की भी हमारे दोस्त शेख वकास साहब बात कर रहे हैं, अगर रिलीज़ करनी तो आज करें, 5 दिन बाद क्यों रिलीज़ करेंगे? जब फैसला जिसको आप अपोज कर रहे हैं, जिसके लिए आप कह रहे हैं कि हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है, जब वो फैसला आजकल में होने वाला है, तो 50 दिन के बाद क्यों आप उस वीडियो को रिलीज करके क्या हासिल करेंगे? पॉलिटिकल पार्टी से मुशावरत करनी है, बार बार मिलते हैं, फिर इत्तफाक राय नहीं होता। कोशिश ये की जा रही है कि मुकम्मल इत्तफाक राय हो जाए। आगे बढ़ते हुए बात करें, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि 10 अक्टूबर को वाकया रिपोर्ट हुआ, जिस बच्चे का नाम लिया गया वो उस दिन कॉलेज थी ही नहीं। मैंने बच्चे का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड देखा है, बच्चे ज्यादती का नहीं घटिया सियासत का शिकार हुई। हम आज तक मुतासर बच्चे की तलाश में है, ये मुहिम झूठ पर मबनी थी। बात यह कि कोई पहले कहानी घड़ी गई, इल्जाम लगाया गया, उसके बाद विक्टिम ढूंढते रहे। फिर जब वो बच्ची इज्जा जो थी उसने इनकार किया कि मैं तो बीमार हूँ, मैं तो कब से पड़ी, मेरे पास मैंने पूरा मेडिकल रिकॉर्ड देखा है, जो मैंने कमेटी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी उन्होंने पूरा रिकॉर्ड देखा है, वो वाकई उन दिनों में हॉस्पिटल में दाखिल थी। इन्होंने सोचा कि कोई इनका कोई लिंक था, वो बच्ची कहीं ICU में पड़ी, उनको मिल गई, उसको इन्होंने रेप विक्टिम बना दिया। वो बच्ची रेप की विक्टिम नहीं है, वो बच्ची एक घटिया सियासत की विक्टिम है, वो घटिया जो साजिश होती है वो बच्ची उसकी विक्टिम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि बच्ची के फौत होने का प्रोपेगेंडा किया गया, जिस गार्ड का नाम लिया गया वो अपने गांव घर गया हुआ था। ऐसे इल्जामात लगाए गए जिसका सिरे से वजूद ही नहीं था। बच्ची बुरी तरह गिरी, जिसकी वजह से वो ICU में दाखिल थी। ये खानदान की इज्जत का केस है, पंजाब हुकूमत इसमें मुद्दई बनेगी। वो बच्ची जिस दिन ये वाकया हुआ है, रिपोर्ट हुआ है, जो झूठा वाकया उसका कोई तफसील नहीं है, वो बच्ची उस दिन वो कॉलेज में थी ही नहीं। और जो जिस गार्ड पे इल्ज़ाम लगा उसको पुलिस ने फौरन अपनी कस्टडी में ले लिया, क्योंकि बच्चे एक बात कर रहे थे। वो उस दिन छुट्टी पे चला गया, 4-5 दिन की उसकी छुट्टी थी, उसको सरगोधा से गिरफ्तार करके लेके आए और इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको जो है कस्टडी में ले लिया। तो कहा गया CCTV फुटेज जो है वो ख़त्म कर दी गई, वो मिटा दी गई, ये हमारे मिनिस्टर बैठे हैं ये भी वहाँ गए, तो इन्होंने जो बात की इन्होंने कहा कि बच्चे ये कह रहे हैं, उसको भी बुनियाद बना लिया गया। तो पूरी एक कड़ी दूसरी कड़ी की तरफ जाती है। और उसके बाद आप देखें गुजरात में कल प्रोटेस्ट हुए, कुछ बच्चे जो हैं उनको लाया गया है, उसके पीछे कौन है मैं सब जानती हूँ। और बच्चों से जब पूछा गया कि इशू क्या है, बच्चों को इशू का नहीं पता कि इशू क्या है। अब
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि झूठी दास्तान घड़ी गई जिसका वजूद सिरे से ताहे नहीं, तालिबा बिल्कुल पाक साफ है, इस पर गलत इल्ज़ाम लगे। जिस बच्ची पर इल्ज़ाम लगाया गया वो 2 अक्टूबर से अस्पताल में दाखिल थी। सोशल मीडिया पर ऐसे इल्ज़ाम लगाए गए जिनका कोई वजूद नहीं था। बच्ची के वालिदा ने कहा कि साजिशी किरदार को बेनकाब करना आपकी जिम्मेदारी है। जब उसकी माँ ने रात को मुझसे ये बात की तो मैंने कहा आपने फिक्र बिल्कुल नहीं करनी, वो बच्ची मीडिया पे, उसकी माँ वालदा नहीं चाहती, वो बच्ची मीडिया पे आना चाहती थी लेकिन उसकी वालदा नहीं चाहती थी कि वो मीडिया पे आए। तो उसके बिहाफ पे मैं ये बात करना चाहती हूँ कि उस बच्ची के ऊपर एक झूठा पूरी कहानी घड़ी गई है, वो बच्ची बिल्कुल पाक साफ है, उसके ऊपर ये गलत इल्ज़ाम लगे। और दूसरी जानब अमेरिका का रूस के खिलाफ यूक्रेन को मज़ीद 425 मिलियन डॉलर की इमदाद देने का ऐलान। अमेरिका की जानब से यूक्रेन को जल्द 425 मिलियन डॉलर अदा कर दिए जाएंगे। अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि अमेरिका समेत 50 से ज्यादा ममालिक यूक्रेन के साथ खड़े हैं। अमेरिका यूक्रेन के मजबूत मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए हर तरह की हिमायत जारी रखेगा। और तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा का मशरक़ वसता में लेबनान और फ़लस्तीन से मुतअल्लिक़ दोहरा किरदार। तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा मैथ्यू मिलर ने एक तरफ शहरी आबादी पर इसराइली हमलों की मुखालिफत कर दी, दूसरी जानब अपने बयान में रिहायशी इलाकों में इसराइल को हिजबुल्ला और हमास जंगजुओं के नाम पर हमलों की छूट भी दे दी। उन्होंने मजीद कहा कि गजा में इंसानी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए इसराइल इजाफे इकदाम करे। अमरीका चाहता है कि इसराइल गजा में मजीद इमदाद की रसाई की इजाज़त दे। इसराइल के शुमाली गाजा में बमबारी, मुतअद्दिद इमारतें ज़मीन बोस, ज़ख्मी अस्पताल मुंतकिल, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी, बड़े जानी नुकसान का खदशा। शुमाली गाजा की नाकाबंदी 12 रोज़ में दाखिल। गाजा में इसराइली बरबरीत से पैदा शुदा इंसानी बहरान पर अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। इसराइल का गाजा में फ़लस्तीनियों की नसलकुशी, जबरी बेदखली और फ़लस्तीनी इलाके को हथियाने है। फ़लस्तीनी मंदूब, गजा में शहदा की तादाद 42,409 हो गई, 99,153 ज़ख्मी, गजा वजारत सेहत। इसराइल के लबनान के इलाके खना पर बमबारी, 3 शहरी शहीद, 54 ज़ख्मी। लबनान वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में 2,350 लिबनानी शहरी जहाँ भाग, 11,000 ज़ख्मी। हिजबुल्ला का इसराइली कस्बे मस्जिद अल करम पर 30 रॉकेटों से जवाबी हमला, रॉकेट हमलों से 4 इसराइली ज़ख्मी। और आगे बढ़ते हुए बात करें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खिताब शंघाई तआवुन तंजीम के हवाले से। शंघाई तआवुन तंजीम के रुकन ममालिक का नए इक़्तिसादी डायलॉग पर इत्तफाक। रुकन ममालिक के दरमियान मसावात, बाहमी मफाद और अदम मुदाखलत पर मबनी तालुकात पर जोर। रुकन मुल्कों की आज़ादी, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के आज़म का यादा। शंघाई तआवुन तंजीम सरबराही इजलास का मुश्तरक एलामिया जारी। इजलास में तनाज़ात और इख्तलाफात मुज़ाकरात के जरिए पर अमन हल करने के आज़म का यादा। अक़्वामे मुत्तहिदा की क़रारदाद के मुताबिक अमन हमाहंगी और तरक्की के लिए इक़दामात पर इत्तफाक। सलामती, तजारत, मईशत, सरमायाकारी के शोबों में तआवुन बढ़ाने के आज़म का यादा किया। SCO ममालिक का सकाफती रवाबित बढ़ाने के लिए इक़दामात पर भी इत्तफाक। IT, मस्नूई ज़हानत, डिजिटलाइजेशन और ई-कॉमर्स के शोबे में तआवुन बढ़ाने पर जोर दिया गया। SCO ममालिक वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर पर जोर। फोरम ने यकतरफा तजारती पाबंदियाँ लगाए जाने की मुखालिफत की। इलेक्ट्रॉनिक तजारत के स्पेशल वर्किंग ग्रुप के मुसलसल इजलास मुनक़िद करने और सरमायाकारी मनसूबों के लिए डाटा बैंक बनाने की तजवीज़ पर जोर। सरबराहान ने मल्टी लेटरल ट्रेड और माशी तआवुन से मुतालिक रिपोर्ट की मंजूरी दी।